जाने दे। बाहर बाहर निकल, ग्राउंड में जाने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। बाहर आ जा मेरे दोस्त। अरे यार सत्या, तू तो एकदम तैयार। यार ये पढ़, ये क्या है? ये यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कायदे कानून की लिस्ट है। यहाँ का जो मेजर है ना, वो इंसान नहीं जल्लाद है। हमने तो पढ़ लिया, तू भी पढ़ ले। अबे ये तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और वैसे भी मेरी हिंदी बहुत कमजोर है यार। ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है, और अंग्रेजी तो इनके सर के ऊपर से निकल जाती है। खैर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। टोटल 113 कायदे कानून की लिस्ट बना रखी है उस मेजर ने, नहाने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, और यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी कायदे कानून लागू कर रखे हैं उस साले ने। और कायदे कानून भी ऐसे कि इंसान लाख कोशिश कर ले कायदा टूटे टूटे। अब तू जल्दी से नहा ले वरना तुझसे उद्घाटन हो जाएगा। चल पकड़, मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ मेरे दोस्त। चल चल चल। क्यों भाई, क्या बात है? बात बात कुछ नहीं मुन्ना, पहले अंदर मैं जाऊंगा। पहले अंदर तुम कैसे जाओगे? मैं पहले आया, तुम्हारा नंबर बाद में। नंबर? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हर जगह मेरा ही नंबर पहले आता है। अबे तेरी कूफ है, नादान है, मगर मेरा दोस्त है, इसे माफ कर दिया। ये मर जाएगा यार, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अबे ओए, सोच समझ के पंगा लिया कर। मालूम है कौन है? बड़े बाप की औलाद है। इन लोगों के घर के बाथरूम बेडरूम से बड़े हुआ करते हैं, और एक एक आदमी के लिए एक बाथरूम। इन लोगों को लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है यार, इनके तो यही पर नहीं। मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल। मगर यार करें क्या? मगर यार, अगर तुझे नहाने का इतना शौक है तो सवेरे 4 बजे क्यों नहीं आया? कायरो की तरह देर से उठ के जल्दी नहाना चाहता है, तेरे बाप का राज चल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ? फिर और फिर एक दिन तू नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है? रोती तो तू नहाता है, अच्छा खासा साफ सुथरा लग रहा है। हाँ मगर इसका नहाना जरूरी है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? तू टेंशन मत ले यार, तू ना यार, प्लीज यार, बाथरूम में तुम जा, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। सही किया ना मैंने? बॉम्बे से। बॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। तो फिर कहाँ है सर? महाराष्ट्र हिंदुस्तान में। कहाँ है? हिंदुस्तान में है सर। और हिंदुस्तान कहाँ पर? हिंदुस्तान सर, हिंदुस्तान हमारे दिलों में। ये बताओ, है प्याज कर हमारे दिल ही सोए हुए हैं, इसीलिए तो यहाँ पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, लेकिन हिंदुस्तानी कोई नहीं। और मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूं। बात गौर से सुनो, मैं कोई नेता नहीं जो बकवास कर रहा हूं। मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज हीरे से ज्यादा कीमती है। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी, कायदे कानून तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करता, प्लस सख्त से सख्त सजा देता हूं। इसलिए ये कोशिश करना कि तुम लोगों से भी गलती ना हो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। सो बी रेडी, आज तुम लोगों की ट्रेनिंग का पहला सबक शुरू होता है। सॉरी डार्लिंग, बहुत देर से तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। क्या करूं, इन नौजवानों को ये लेक्चर देना बहुत जरूरी था। आई लव यू, I love you. अबे समर, राजा समर। अबे
क्या खाक समझो, दो घंटे से दौड़ रहे हैं। उछड़ की औलाद, लगता है ऑर्डर देके ही भूल गया। हाँ यार करण, ये प्लस का बच्चा माइनस कब करेगा? जब एक आदमी लाश गिरेगी। ठहर यार, अभी विश्राम कराता हूँ, पता तो लगे आखिर ये बूढ़ा खोया कहाँ हुआ है। मेरी डार्लिंग जमीन पर, जाओ पैर मत रखो, पैर मत रखो। विश्राम किसने की यह हरकत, किसने की तुम में से यह हरकत? ओके ओके, अगर एक मिनट के अंदर तुम लोगों ने गुनहगार को मेरे सामने खड़ा नहीं किया तो सजा सबको मिलेगी। आप सबको सजा क्यों दे रहे सर? गुनहगार तो ये है करण, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे श्रीदेवी कहते हुए देखा है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ग्राउंड में लेट कैसे आए? तुमने मेरा कानून नंबर 38 कैसे तोड़ा? सर इसका भी जिम्मेदार यही है, इसने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया सर। तो तुम बाथरूम तोड़कर बाहर निकल आते? एनसीसी का मतलब अनुशासन, यानी डिसिप्लिन, हर हाल में हर सूरत में। जो आदमी बाथरूम के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता वो दुश्मन से कैसे लड़ेगा? लेकिन सर आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सप्लेनेशन। सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ये बंदूक उठाओ और इस ग्राउंड के 5 चक्कर काटो। लेकिन सर मेरी चक्कर, मगर सर 15 चक्कर। ओके सर। तो ये हरकत तुमने की थी? नहीं सर, वो मैंने कहा था। नहीं सर, मैंने कहा था। ये झूठ बोल रहा है सर, वो हरकत मैंने की थी। गुड, एकता, यूनिटी, आई लाइक इट। लगता है मेरे लेक्चर का असर सिर्फ तुम चार लोगों पर हुआ है। थैंक यू सर। अब एक काम करो, अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और इस ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर दो। सर कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? गिनती बंद करो, जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक भागते रहो। क्या? मार्च। ये लाठी का बच्चा 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर 2 पुत्र लुढ़काकर ही रहेगा। तू क्या सोच रहा है करण? मैं सोच रहा हूँ कि इस श्रीदेवी के आशिक के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। ओ भाई, तू ये कपड़े क्यों प्रेस कर रहा है? हाँ? मैं कल सुबह बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? अरे ये मत पूछ, मत पूछ यार। यार तुम लोग ये जाने वाने की बातें मत करो। मेजर साहब के कायदे कानून तोड़ने का मतलब समझते हो तुम लोग? सब समझता हूँ। क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 भी चढ़ा देंगे ना? हाँ भले चढ़ा दे, लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ से जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर तुम लोग जागा रहे हो होटल प्लाजा के रूम नंबर 203 में। वहाँ क्या है भाई? वहाँ वहाँ पर श्री देवी आई हुई है। हाँ, उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। हाँ, इतना ही नहीं, कल रात को मैंने उसका इंटरव्यू भी सुना था रेडियो पर। अच्छा? हाँ, मैंने तो उसकी आवाज भी टेप कर रखी है, सुनोगे? फॉलो मी। श्री देवी जी, आपके चाहने वालों की तरफ से मैं आपसे चंद जाती सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी? शादी तो मैं जरूर करूंगी, मगर अभी तक मुझे मेरी पसंद का लड़का ही नहीं मिला। मेरा मतलब है कि बलमा। यानी कि आपके दिमाग में आपके होने वाले पति की तस्वीर बिल्कुल साफ साफ है। जी बिल्कुल, मेरे होने वाले सपनों का शहजादा कोई सिविलियन नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी। वो तो मैं हूँ। जिसका चौड़ा सा सीना होगा वो भी है। और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे वो भी लगे। और वो आपके मुंह से साफ साफ कह देगा कि शेरी आई लव यू यार। शेरी आई लव यू यार। मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? कुछ मिलिट्री वाले इतनी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं। मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है। मेरे पति की मूछें होंगी मगर मोटी नहीं, छोटी छोटी। रेडियो वालों की तरफ से और आपके चाहने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्री देवी जी। लाओ सर, गो टू योर बेड, अपना रेडियो कल सुबह ले लेना।
आज रात मुझे रेडियो पर खाड़ी संकट की खबरें सुननी है। गुड नाइट एंड गो टू योर बेड। सॉरी सर, गुड नाइट। मेरे होने वाले सपनों का शहजादा कोई सिविलियन नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी, जिसका चौड़ा सा सीना होगा और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे, और वो आके मुझसे साफ साफ कह देगा कि श्री आई लव यू यार। मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है। मेरे पति की लगता है तुम्हारे लिए मुझे इनकी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अबे कहाँ भेज दिया उस बुड्ढे को? क्या वाकई श्री देवी आई है? श्री देवी नहीं, देवा आया हुआ है। देवा? हाँ, मशहूर बॉक्सर देवा। नई नई शादी करके हनीमून मनाने आया है। अब देखना रूम नंबर 203 में कम से कम 203 जूते पा। की क्या जरूरत है डार्लिंग, ये तुम्हारा अपना ही कमरा है, मैं खुद भी तो तुम्हारी हूं। अब इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ ना बैठो मेरे पास। तुमने कितनी देर लगा दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सच? और नहीं तो क्या झूठ बोल रही हूं मैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सारी जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे? बिल्कुल। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें प्यार करना ही रह गया है। शायद तुम जानती नहीं मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूं। यही नहीं, मैं तुम्हारी हर फिल्म 10-10 बार देखता हूं। तुम्हारी कसम श्रीदेवी, लेकिन जब कोई हीरो तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या अमिताभ बच्चन, और वो विलेन अमरीश पुरी, वो जब तुमसे जबरदस्ती करता है तो मेरा दिल करता है कि मिलिट्री की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूं। लोग तो इश्क में सिर्फ अपना दिल ही देते हैं, मगर मैंने तो इश्क में अपने खानदान की इज्जत उतार कर तुम्हारे सामने रख दी है। ये देखो, क्या हुआ डालिंग? डालिंग, ये बदमाश मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आया और इसने मेरे साथ, लगता मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं तो 203 कमरा समझ कर आया था। नहीं, ये कमरा नंबर 203 ही है, और अब तो सात जन्म में इस नंबर को भूल नहीं पाएगा। You are so sweet. मुझे जाने दो प्लीज। भाई साहब मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी सफाई में कुछ कहने का। अब सफाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब साफ होने वाला है। बीवी जरा दरवाजा बंद कर। रुक जाओ, मैं मौत।